मैं डॉक्टर विद्यानंद त्रिपाठी, मैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ बंसल हॉस्पिटल भोपाल में। आज हम बात करेंगे हार्ट फेलियर और इडिमा के बारे में। हार्ट फेलियर का मतलब होता है अगर आपका हार्ट जितना जिस स्पीड से जिस लेवल पे उसे पंप करना चाहिए अगर वो पूरी तरह से ना कर पाए, इस स्थिति को हार्ट फेलियर बोलते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका हार्ट पूरी तरह से फेल हो चुका है, आपको जीवित रहने का कोई ऑप्शन नहीं बचा है। अलग अलग स्टेज होती है हार्ट फेलियर की। ज्यादातर हार्ट फेलियर दवाइयों के द्वारा सिम्टम में रिलीफ दिया जा सकता है, मरीज को एक अच्छी जिंदगी दी जा सकती है। तो हार्ट फेलियर की वजहें क्या होती है? सबसे इम्पोर्टेंट है हार्ट अटैक। किसी भी व्यक्ति को अगर हार्ट अटैक होता है, इससे उसकी हार्ट की जो मांसपेशियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं, जिससे हार्ट जो ब्लड की पंपिंग करता है वो पूरी तरह से नहीं कर पाता। दूसरे कारण भी होते हैं, जैसे कार्डियोमायोपैथी है, आपका उच्च रक्तचाप है, आपको किडनी डिसीज है, आपको लंबे समय से खून की कमी है, ये सब वजहें हैं जिससे हार्ट की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। तो लेफ्ट हार्ट फेलियर और राइट हार्ट फेलियर। तो लेफ्ट हार्ट फेलियर में जब लेफ्ट वेंट्रिकल फेल होते हैं तो वो ब्लड को आगे की साइड पंप नहीं कर पाते, जिससे कि बैक प्रेशर से लंग्स में पानी इकट्ठा होता है, व्यक्ति को सांस फूलने लग जाता है और पैरों में सूजन आने लग जाता है। इसी तरह राइट हार्ट फेलियर, अगर राइट हार्ट पूरी तरह से जो आपकी बॉडी का फ्लूइड है, ब्लड है जो राइट हार्ट चैम्बर्स में आता है, उसको पूरी तरह से एकोमोडेट नहीं कर पाता, तो एक बैक प्रेशर की वजह से ये लोअर एक्सट्रीमिटीज में आपके सूजन करता है। तो हार्ट फेलियर के मुख्य लक्षण क्या क्या होते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आपके पैरों में सूजन आना, आपके हाथों में सूजन आना, आपका पेट फूलना, पेट में पानी आना, सांस का फूलना, जो कि लेटने में सांस फूलना बढ़ जाता है। तो जब भी कोई व्यक्ति ये कंप्लेन बोले कि जब वो लेटता है रात में तो आधे एक घंटे के बाद उसकी सांस फूलने लगती है, घबराहट होती है या खांसी होने लग जाती है, उठ उठ के बैठना पड़ता है, तो ये सिम्टम हार्ट फेलियर के, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर के हो सकते हैं। तो ऐसे कोई भी लक्षण होते हैं तो इमीडिएट डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और इस समस्या के कारण का जांच करना चाहिए। अब हम आते हैं कि हार्ट फेलियर की या इस तरह से ब्रीदिंग डिफिकल्टी या सूजन आने के और क्या कारण हो सकते हैं। तो किडनी फेलियर बहुत इंपॉर्टेंट वजह है। जब भी किसी व्यक्ति की किडनी कमजोर हो जाती है, किडनी पूरी तरह से बॉडी का जो एक्स्ट्रा फ्लूड है उसे बाहर नहीं निकाल पाती, तो ऐसी स्थिति में भी शरीर में पानी की मात्रा बढ़ती है और ये पानी लंग्स में आने लग जाता है, जिसकी वजह से जब भी वो मरीज लेटेगा तो उसकी ब्रीदिंग की प्रॉब्लम बढ़ेगी, उसके पैरों में सूजन आएगी, यही सारी तकलीफें होंगी। तो ये वॉल्यूम ओवरलोड की कंडीशंस ज्यादातर किडनी पेशेंट्स में होती है। साथ ही साथ इन लोगों में उच्च रक्तचाप होता है, जिसकी वजह से जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी मोटाई बढ़ जाती है, जिसे लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। इन मरीजों में भी जो हार्ट अटैक की संभावना बहुत अधिक होती है और हार्ट फेलियर की संभावना बहुत होती है। करीब करीब 50% किडनी फेलियर के लोग जो डायलिसिस में जाते हैं उस स्थिति तक उनको हार्ट फेलियर 50% लोगों में होता है। तो ये समस्या इन पेशेंट्स में भी बहुत ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में शरीर में एक्सेस पानी होने की वजह से ये सारे लक्षण उन मरीजों में भी मिलने लग जाते हैं। अब आते हैं हम कि इस चीज की जांचें क्या क्या होती है और इसका इलाज क्या होता है। तो जांचों में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका हार्ट का ECG और इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी हार्ट की पंपिंग को बताएगा, जो इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल हम बोलते हैं 60% से अधिक होता है, अगर उसकी इजेक्शन फ्रैक्शन कम है तो ये इंडिकेट करता है कि आपके हार्ट की पंपिंग प्रॉपर नहीं है, सफिशियंट नहीं है, जिससे कि व्यक्ति एक सामान्य लाइफ जी पाए और उसे ही सिम्टम्स ना हो। ECG इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इसके बाद रूटीन ब्लड टेस्ट होते हैं, जैसे मैंने बताया कि कार्डियोमायोपैथी के और भी बहुत सी वजहें हैं, जैसे एनीमिया है तो CBC का टेस्ट है। किडनी फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने डिस्कस किया कि किडनी फेलियर के पेशेंट में भी इडिमा होना बहुत कॉमन है, खासतौर से डायबिटिक नेफ्रोपैथी या जो प्रोटीनोरिक डिसीजेस होती हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होती है, इन सभी में बहुत अर्ली स्टेज से सूजन स्टार्ट हो जाता है और एंड स्टेज किडनी तक आते आते करीब करीब हर व्यक्ति को स्वेलिंग की समस्या रहती है। तो ये सब टेस्ट हो गए, डायबिटीज के टेस्ट हैं, आपके छाती का एक्सरे है कि छाती में पानी कितना ज्यादा है या नहीं है, पेट का सोनोग्राफी है, क्योंकि राइट हार्ट फेलियर की स्थिति में या किसी भी हार्ट फेलियर की स्थिति में पेट में भी पानी इकट्ठा होता है, तो इन सब चीजों को देखना होता है। तो इन जांचों के बाद आते हैं कि ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या है। तो सबसे पहले तो लाइफस्टाइल चेंजेस है, कि आपको लगता है कि आपके शरीर में सूजन आ रहा है, आपको सांस फूल रहा है, तो पानी का जो है उसको लिमिट किया जाता है, पानी के इंटेक को। पानी का इंटेक डॉक्टर आपको बोलेगा कि 1.5 लीटर या 2 लीटर से कम सेवन करें। नमक का सेवन कम करें, क्योंकि नमक अगर शरीर में अधिक होगा तो एक्सेस प्यास लगेगा, वाटर रिटेन करेगा। रेगुलर एक्सरसाइज, अपना वजन का कंट्रोल बहुत जरूरी है। फिर हम मेडिकेशंस पे आते हैं। बहुत सी दवाइयाँ हैं, जैसे डायरेटिक्स हैं,
लेसिक्स है, डाइटोर आप बहुत कॉमनली नाम सुनते हैं, ये दवाइयाँ डायरेटिक्स कहलाती हैं, जो शरीर से एक्स्ट्रा वाटर जो होता है वो यूरिन के माध्यम से बाहर निकलती है, जिससे हार्ट फेलियर के सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट आता है। फिर बीटा ब्लॉकर्स हैं, एसी इनहिबिटर्स हैं, और भी ये बीपी की ड्रग्स हैं जो कि हार्ट के लिए हेल्पफुल होती हैं और हार्ट फेलियर के चांसेस को कम करती हैं। बहुत सी न्यू जनरेशन ड्रग्स हैं आजकल आई हैं, जिसमें अर्नी इनहिबिटर्स हैं, ये दवाइयाँ हार्ट फेलियर को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर पाती हैं। तो आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलें तो वो आपको इन दवाइयों को प्रिस्क्राइब करेंगे, जो कि आपकी आपकी तकलीफ़ों को कम करने में जिसमें मदद मिलेगी। अगर आपको किडनी डिसीज़ है, उसकी वजह से आपको एडिमा हो रहा है, तो किडनी के ट्रीटमेंट होंगे, जिसमें भी यही है, लाइफस्टाइल चेंजेस, पानी का इंटेक कम करना, नमक का सेवन कम करना, और डायुरेटिक्स और इन दवाइयों के माध्यम से शरीर से एक्स्ट्रा वाटर को निकालना। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको सडन ऐसी इवेंट होती है कि आपको सूजन नहीं है, एकाएक सूजन आने लगा है या एकाएक सांस फूलने लग गया है, तो ये अलार्मिंग सिम्टम होते हैं। क्योंकि कई बार अगर आपको हार्ट फेलियर है या किडनी फेलियर है, ऐसी स्थिति में अगर आपने समय पर इन समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया, तो कई बार सडनली बहुत ज़्यादा सांस फूलती है, ऐसी स्थितियों में ब्लड प्रेशर्स बढ़ते हैं जो और हार्ट का आउटपुट कम करते हैं और फेलियर की स्थिति बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टरी सलाह लेना चाहिए, तुरंत अपने इन्वेस्टिगेशंस कराने चाहिए, और ट्रीटमेंट के द्वारा आप इन लक्षणों से आपको लक्षणों में कमी आ सकती है। अब हम दूसरे कारणों से जो आपको स्वेलिंग होती है, जो एडिमा होती है, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो अगर आपको दूसरी वजहों से सूजन है शरीर में ज़्यादा, तो कई बार आप अपने लेग्स को एलिवेट करके रखें, इससे वहाँ का सूजन चला जाता है। अगर लंबे समय से आप खड़े हैं, चल रहे हैं, या सिटिंग पोस्चर में हैं जहाँ ग्रेविटी की वजह से पैरों में ज़्यादा सूजन है, तो आप बीच बीच में ब्रेक ले सकते हैं इन चीज़ों से, जिससे सूजन जा सकता है। लेग मसल्स की एक्सरसाइज है, कई बार क्रैप बैंडेजेस नीचे लगाए जाते हैं, जिससे कि आपका वीनस रिटर्न इम्प्रूव होता है, आपका फ्लूड जो है एकुमुलेट ज़्यादा नीचे नहीं होता है, इन सब चीज़ों पर ध्यान देना होता है। हार्ट फेलियर के भी कुछ और एडवांस ट्रीटमेंट है। अगर आपके हार्ट की पंपिंग बहुत ही वीक है, तो हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, कुछ इम्प्लांटेबल डिवाइसेस होती हैं, तो ये सब चीज़ें आप अपने डॉक्टर से, स्पेशलिस्ट से संपर्क करें, ट्रीटमेंट के बारे में समझ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि वो क्या स्थितियां हैं जिसमें आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। आपको स्वेलिंग की प्रॉब्लम है, आपकी बीमारी क्लियर है, आप डॉक्टर के रेगुलर ट्रीटमेंट में हैं, तो ऐसी क्या परिस्थिति बने जो आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना है। तो उसमें से एक है, अगर आपके एक साइड में ही सूजन ज़्यादा है, सपोज आपके सिर्फ बाएं पैर में सूजन आ रहा है, तो ये स्थिति कई बार हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर इनसे अलग होती है, क्योंकि अगर इन ऑर्गन फेलियर्स की वजह से स्वेलिंग है तो वो दोनों तरफ होगी। तो ऐसे में कई बार डीवीटी होता है, क्लॉटिंग होती है आपके नसों की, जिससे जो वीनस रिटर्न है वो इम्पेयर्ड होता है। कई बार सेलुलाइटिस हो जाती है, आपके पैरों में इन्फेक्शन है जिसकी वजह से हो रहा है, तो इन स्थितियों को भी समझना बहुत जरूरी होता है। फिर अगर आप पहले बिल्कुल दवाइयों के साथ मेंटेन हैं, एकाएक आपका वजन बढ़ा है, बहुत तेज सांस फूल रहा है, तो ये एक एक्यूट क्राइसिस वाली स्थिति बन सकती है। आपका बीपी सडनली बहुत हाई हो गया है, ये क्राइसिस की स्थिति हो सकती है। आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन, आजकल हम देखते हैं कोविड के बाद करीब करीब हर घर में पल्स ऑक्सीमीटर होता है, तो वो एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है आपको ये बताने के लिए कि आपको दिक्कत तो नहीं है। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल उसमें कम हो रहा है, तो वैसी स्थिति में आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तो ये सब स्थितियाँ, ये सब परिस्थितियाँ ऐसी हैं जो कभी भी आपको गंभीरता की तरफ ले जा सकती हैं, ऐसी स्थितियों में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तो आप सभी के लिए मेरा मैसेज यही रहेगा कि अगर आपको सूजन आ रही है शरीर में, एडिमा है आपको, तो सबसे पहले तो आप अपने चिकित्सक से संपर्क करें, उस एडिमा का रीज़न ढूंढें कि वो हार्ट रिलेटेड है, किडनी रिलेटेड है, वीनस थ्रोम्बोसिस है, डीवीटी है, या और कोई कारण है, और उसके बाद डॉक्टर की सलाह के अनुसार इलाज लें। और जब भी ऐसी कोई परिस्थिति बनती है जहां आपके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, या आपको सफोकेशन फील होता है, आपको ऐसा लग रहा है कि अब रिस्क है, तो तुरंत हॉस्पिटल जाएं, इमरजेंसी में जाएं और अपना इलाज लें।